शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान सी मिठाई की रेसिपी। इसे आप घर पर बहुत ही आराम से बना सकते हैं। मार्केट में ये मिलती है तो क्यों ना हम इसे घर पर खुद बनाएं। फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो आप इस मिठाई को घर पर बनाइए, भगवान को भी चढ़ाइए और अपने घर में सभी के साथ आप इसको बनाकर खाइए। आपको डेफिनेटली ये रेसिपी अच्छी लगेगी क्योंकि ये बहुत ईजी है। आप इसे आराम से बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकते हैं। हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस हमें यहाँ पे चाहिए नारियल। ये बुरादा वाला नारियल है जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, ये आपको लेना है। यहाँ मैंने 250 ग्राम लिया है इसको। और लगेगी 1.5 कप चीनी। 250 ग्राम नारियल में मैंने 1.5 कप चीनी लिया है। ये है इलायची पाउडर, मैंने 20-25 इलायची को 1 चम्मच चीनी के साथ ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है पिस्ता, पिस्ता को मैंने क्रश किया है। और यहाँ पे हमें चाहिए देसी घी, ये भी मैंने लिया है 2 चम्मच करीब। और दूध, ये इस कप से 2 कप दूध है इसमें। कप का मेजरमेंट ले लें, जिस कप से आप चीनी डालें उसी कप से आप 2 कप दूध डालें। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है, अब हमें इसमें घी ऐड करना है। मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ इसमें। इसमें ज़्यादा घी नहीं ऐड करना है हमें, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं मगर लेस घी एंड लेस ऑयल आजकल हम प्रेफर करते हैं। इसमें घी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है क्योंकि हम खाते हैं और एक्सरसाइज एंड ऑल करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही आपका घी मेल्ट हो जाए आपको गैस की फ्लेम को लो करना है और इसमें कोकोनट ऐड करना है। घी को एकदम गरम नहीं करना है खोलता हुआ। अब मैं इसमें कोकोनट ऐड कर रही हूँ। हमें थोड़ा सा कोकोनट बचा लेना है, करीब 1 चम्मच तक। मैं आपको बताऊँगी इसका क्या करना है। हमें हल्का सा हम इसको घी के साथ मिक्स करेंगे, लो फ्लेम पर ही अच्छे से घी मिक्स हो जाए कोकोनट के साथ। फ्रेंड्स, मार्केट में जितनी भी मिठाइयाँ आती हैं हम उसे आसानी से घर पर बना सकते हैं अपनी आंखों के सामने बिना किसी मिलावट के। तो मैं प्रेफर करती हूँ कुछ मिठाइयाँ घर पर ही बनाना क्योंकि ये बहुत इजी है, आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। और आज मैं आपको इसीलिए ये मिठाई बनाना सिखा रही हूँ कि आप खुद घर पर बनाएं इस दिवाली पर और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको खाएं। वो खुद आपको बताएंगे, आपके तारीफ़ों के पुल बांध देंगे ये मिठाई खाकर। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने बनाई है या मार्केट से लाई हुई है। तो आप देख सकते हैं घी और नारियल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो चीनी है वो ऐड करनी है, 1/2 कप एंड दिस 1 कप। 1.5 कप चीनी मैंने ऐड किया है इसमें। हल्का सा इसको भी मिक्स करना है हमें। और अब हमें ये जो दूध है 2 कप इसको ऐड करना है हमें धीरे धीरे, और इसको लो फ्लेम पर ही हमें मिक्स करना है। लो फ्लेम पर ही आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो हमारा कोकोनट है वो दूध में थोड़ा पक जाए। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा भी, आप देखिएगा। और इसकी बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको 5 मिनट तक आप लो फ्लेम पर ही पकाएं, देन आप इसकी फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर आप इसको इस तरीके से चलाते हुए पकाते रहें जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। हमें इसको पकाना है, गाढ़ा मतलब थोड़ा थिक ना हो जाए। गाइस, आप इसमें चाहें तो कुछ कलर भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो फूड कलर या फिर केसर ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। एक मैं यहाँ पे सिंपल बना रही हूँ, मैं कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, ना ही केसर ऐड कर रही हूँ। और मैंने जो पिस्ता लिया है वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पिस्ता ऐड करें या अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और चाहें तो आपको अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आपने देखा ना, हमने इसमें घी डाला, नारियल डाला, दूध डाला, चीनी डाला और इसको पका लिया। कितना ईजी है इसको बनाना। और हम मार्केट से लेकर आते हैं इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ और उसमें भी होती है मिलावट। आपको इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है इसको पकाते समय। अब आप देख सकते हैं ये पहले से थिक हो गया है, थोड़ा सा हमें इसे और पकाना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसमें मैं ये जो इलायची पाउडर है वो थोड़ा सा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा एक
फ्लेवर आता है एंड फ्रेग्रेंस आती है। अच्छे से मिक्स करें। तो गाइस मैंने इसमें इलायची डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने ये एक पैन लिया है, इसमें मैंने घी लगा दिया है और अब हमें ये जो हमारा सारा कोकोनट वाला मिक्सचर है हमें इसमें डालना है। ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है। मैं इसको पूरे में नहीं फैला रही हूँ, मुझे थोड़ी ये थिक बर्फ़ी चाहिए। मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अब जो हमारे पिस्ता हैं उनको हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और इसको भी हम हल्का सा इस पर प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से इसमें चिपक जाए। और अब हमें इसको रखना है सेट होने के लिए। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, देन उसके बाद आपको इसको फ्रिज में रख देना है करीब आधे से एक घंटे के लिए सेट होने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोकोनट बर्फ़ी कैसी बनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी कोकोनट बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसको पहले मैंने ठंडा किया रूम टेम्परेचर पर, देन मैंने इसको फ्रिज में रखा था करीब एक घंटे के लिए। अब हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी जम चुकी है। आइए हम इसको कट करके देख लेते हैं। पर उससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोकोनट बोला था कि आप बचा के रखिएगा, वो इसलिए कि हम लास्ट में इसके ऊपर हल्का सा कोकोनट स्प्रिंकल करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कोकोनट को स्प्रिंकल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी लग रही है और जो हमारी बर्फ़ी है ये देखने में बिल्कुल लग नहीं रही होगी आपको कि ये कोकोनट बर्फ़ी है। ये एकदम आपको मावा बर्फ़ी कलाकंद की तरह इसका टेक्सचर आया है, इसका लुक आया है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है जितनी कि ये दिख रही है। तो आइए अब हम फटाफट इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक इस तरह का स्पैचुला लें और बर्फ़ी की ऐसे किनारे किनारे आपको इस तरीके से एक एक बार कर देना है ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छी निकले। हो गया। अब आपको जैसी कटिंग चाहिए वो छोटी बड़ी आप उस तरीके से काट सकते हैं। आप पहले इस तरीके से मार्क लगा लीजिए नाइफ से हल्का हल्का ताकि आपको पता चल जाए एक ही साइज़ की आपकी बर्फियाँ लगे। तो मैंने इसमें तीन कट मार्क लगाए हैं, अब मैं इनको कट कर लेती हूँ। अब हम इस साइड से कट कर लेंगे, इधर से भी मैं तीन कट ही करूँगी। ये देखिए अच्छे से कट हो गई हमारी बर्फियाँ। आप देख सकते हैं पीसेस, सारे पीसेस एक तरीके से लग रहे हैं। तो आप पहले नाइफ़ की हेल्प से पहले थोड़ा थोड़ा कट मार्क लगा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सारी साइज जो हैं बर्फियों की वो एक जैसी हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को अलग कर दिया है, कुल 9 पीसेस निकली हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने आज तक जितनी भी मिठाइयाँ बनाई हैं उसमें सबसे इजी ये मिठाई मुझे आज तक लगी है और टेस्ट भी इसका बहुत ही ऑसम है। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बड़ी और थिक पीसेस बनाई हैं, ये कितनी अच्छी बनी है। इसका टेक्स्चर देखिए आप, बिल्कुल मावा की बर्फ़ी जैसा लग रहा है, कलाकंद के जैसी ये बिल्कुल लग रही है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि सिर्फ नारियल से बनी है, आपको खाने में इसका स्वाद ऐसा लगेगा कि इसमें आपने खोया मतलब कि मावा भी मिलाया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखें एंड हैप्पी दिवाली।